हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर डेली मोटिवेशनल स्टोरीज और कुछ धार्मिक कहानियाँ लेकर के आती हूँ। अगर आपको स्टोरी कहानियाँ देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फ्रेंड्स, जो आज की कहानी होगी वो भगवान के ऊपर विश्वास की कहानी होगी। अगर आपका भी विश्वास ऐसा है तो उस भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को आप हमेशा अपने साथ महसूस कर पाओगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक चीड़ा होता है, वो चीड़ा प्रतिदिन सुबह सुबह उड़ करके भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के धाम में जाता है। तो जहाँ से वो जाता है, बीच में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में एक संत महात्मा रहते हैं अपनी कुटिया बना करके, और वो बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन करते हैं और लोगों को भगवान के नाम का संदेश देते हैं कि तुम भी भजन करो, कीर्तन करो। और खुद भी वो बहुत ज़्यादा भगवान का स्मरण करता है। और साथ में उसी के पास एक राक्षस रहता है, वो बहुत ज़्यादा मांस मदिरा का सेवन करता है और साथ में लोगों को दुख पहुंचाता है, उनको मारता है, पीटता है। तो दोनों पास पास में रहते हैं। और जो महात्मा होते हैं वो सोचता है कि भगवान इसको कभी माफ़ नहीं करेगा, इसको बहुत ज़्यादा दंड देगा, ये बहुत ज़्यादा दुष्ट आदमी है। तो ये सोच सोच के जो संत महात्मा होते हैं उनके मन में थोड़ा द्वेष होने लगता है और वो प्रतिदिन उस राक्षस को कोसते हैं, पीटते हैं। एक दिन उस राक्षस को लगता है कि तू बहुत ज़्यादा बुरे काम कर रहा है, तो उसको अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो वो इस कारण अपना सारे गलत काम करने छोड़ देता है, बिल्कुल मन से त्याग देता है कि मुझे आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करना है। और वो सारे गलत काम छोड़ देता है और वो लोगों का भला करने लगता है, और साथ में जो मांस मदिरा का सेवन करता है वो बंद कर देता है। और उस भगवान को सुबह शाम याद करता है सिर्फ मन मन में, एक दो बार उसको याद करता है और भगवान से जो मैंने किया उसके लिए माफ़ी मांगता है। और वो भगवान पर बड़ा विश्वास करने लगता है, उसको लगता है कि भगवान मुझे जरूर दंड देंगे, मैंने बहुत गलत काम किए हैं। ये सोच करके वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने लगता है और साथ में जितने भी गलत काम होते हैं उनको पूरी तरह से छोड़ देता है। लेकिन वही संत महात्मा होते हैं, वो भजन कीर्तन करते हैं और वो सोचता है कि मुझे तो मुक्ति ही मिलेगी और भगवान का मैं इतना भजन कीर्तन करता हूँ तो भगवान मेरा हमेशा साथ देंगे। तो होता ये है, एक दिन जब चीड़ा भगवान के धाम में जा रहा होता है तो उसे बीच में जो संत महात्मा होते हैं वो रोकते हैं कि अरे चिड़े, तू डेली यहाँ से कहाँ जाता है, प्रतिदिन मैं तुझे देखता हूँ तू उड़ करके यहीं से उड़ करके जाता है। तो वो बोलता है कि मैं भगवान के धाम में भगवान के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो महात्मा बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि ठीक है, अगर तू दर्शन करने के लिए जाता है तो भगवान से ये पूछ के आई हो कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी और मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं पूछ दूंगा। उधर दूसरी तरफ राक्षस भी यही बात बोलता है कि चीड़े, तू कहाँ जाता है। तो चीड़ा जब उसे बताता है कि मैं भगवान के धाम में जाता हूँ, तो वो चीड़े के सामने हाथ जोड़ के बोलता है कि प्लीज़ मेरे भगवान को तू एक बार ये जरूर पूछ के आना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं क्या करूँ कि मुझे मुक्ति मिले, मैंने बहुत गलत काम किए हैं और तू जरूर पूछ के आना कि मुझे मुक्ति मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो बड़े नरम स्वभाव से ऐसे करके चिड़े को बोलता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। उधर चिड़ा जब भगवान के धाम में पहुंचता है तो वो भगवान से पूछता है कि भगवान, जब मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक संत महात्मा मिले और एक राक्षस मिले, उन्होंने मुझे पूछा कि हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्हें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भगवान बोलता है कि जो राक्षस है वो मरने के बाद सीधा मेरे पास आएगा, लेकिन जो महात्मा है उसका मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि महात्मा का मैं कुछ नहीं बता सकता कि उसको मुक्ति कब मिलेगी कब नहीं, उसका मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन राक्षस को मुक्ति मिल जाएगी, वो मरने के बाद मेरे ही पास आएगा। तो चिड़ा बोलता है कि भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है, वो राक्षस है और दूसरी तरफ वो महात्मा है जो इतना ज़्यादा पूजा पाठ करता है। भगवान उसे बताता है कि तुझे इस
पर्सन का उत्तर खुद वो ही देंगे। जब तू मेरे धाम से वापिस जाए तो तुम्हें दोनों को एक ही बात बोलनी है। जब वो तुझे पूछे कि हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो तुम्हें बताना है कि जब मैं भगवान के धाम में पहुंचा, तो भगवान सुई के छेद से हाथी को बाहर निकाल रहे थे और वो हाथी बाहर निकल गया। दोनों को तुमने एक ही बात बोलनी है। तो वो कहता है कि ठीक है। जब वो वापिस आता है तो उसे सबसे पहले महात्मा मिलते हैं और महात्मा पूछते हैं कि अरे चिड़े, क्या तू पूछ के आया भगवान से कि मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो उसने कहा कि अच्छा, तो जब मैं भगवान के धाम में पहुंचा तो महात्मा जी भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो महात्मा कहता है, क्या सुई के छेद से हाथी कैसे निकल सकता है? बकवास कर रहा है तू, कहीं नहीं जाता, तू झूठ बोलता है और यहाँ से चला जा। तो वो कहता है कि नहीं, ये बात सच थी। वो कहता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, सुई के छेद से हाथी कैसे निकल सकता है, तू जा यहाँ से। तो वो चिड़ा चला जाता है। उसके बाद वो राक्षस के पास जाता है। तो वो राक्षस उससे पूछता है कि अरे चिड़े, क्या तूने भगवान से पूछा मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं? तो उसने कहा, हाँ मैंने पूछा, जब मैं धाम में पहुँचा तो भगवान सुई के छेद से हाथी बाहर निकाल रहा था और वो हाथी आराम से बाहर निकल गया। तो राक्षस इतना सुनते ही नाचने लगता है और बड़ा खुश होता है। नाच नाच के बोलता है कि अच्छा, भगवान की लीला कितनी प्यारी है, भगवान ने सुई के छेद से हाथी निकाल दिया। तो वो कहता है, अच्छा तुझे लगता है कि भगवान ने सुई के छेद से हाथी निकाल दिया होगा? तो राक्षस आगे से जवाब देता है कि हाँ, विश्वास है मुझे, क्यों नहीं कर सकता, भगवान ऐसा बिल्कुल कर सकता है। मेरा भगवान बड़ा ही निराला है, वो कुछ भी कर सकता है, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो वो कहता है कि तुझे इतना विश्वास क्यों है? जब चिड़ा उसे राक्षस को ये बात पूछता है कि तुझे इतना विश्वास कैसे है, तो राक्षस बोलता है कि देखो भैया, मुझे तो बड़ा विश्वास है, एक एक चीज भगवान ने कैसी बनाई हुई है। अब देखो, जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ उस पेड़ के ऊपर कितने सारे फल हैं, और प्रत्येक फल में एक बीज है, और उस बीज से फिर एक और नया इतना ही बड़ा पौधा खड़ा हो सकता है। तो तुम सोच सकते हो, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा हो सकता है, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उसकी लीला बड़ी ही निराली है, उससे कोई नहीं जीत सकता, ना उसे कोई समझ सकता है कि वो क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भगवान पर विश्वास करना है तो दूसरों को ये ना सोचें कि हमें तो भगवान मिलेगा ही मिलेगा। तो चिड़े को समझ आता है कि उसे तो इस बात का बड़ा गर्व है कि मुझे तो मिलेगा, अहंकार आ गया है उसके अंदर। दो किताबें उसने पढ़ी हैं, उसे विश्वास तो है नहीं, उसे तो सिर्फ ये है कि मैंने किताब पढ़ ली और मुझे भगवान मिल गया। किताब पढ़ने से भगवान नहीं मिलता, भगवान के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। उसके लिए अगर हमने बुरे काम छोड़ दिए, हम अच्छे काम कर रहे हैं और अपने दिल से उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो हमें भगवान जरूर मिलेगा और हमें मुक्ति भी मिलेगी। अगर हम अच्छा विश्वास रखेंगे तो मुक्ति तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, ये तो हमें आराम से ही मिल जाएगी, लेकिन आपका विश्वास बड़ा दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमारी एक मन्नत पूरी नहीं होती, क्या पता उसमें हमारा अच्छा हो, फिर भी हम क्या करते हैं, भगवान को ही बदल देते हैं, तो भगवान अच्छा नहीं है, अब हम दूसरे भगवान की पूजा करेंगे, इसने तो मेरा ये काम किया ही तो नहीं। दोस्तों, विश्वास कीजिए, अच्छे दिल से पूजा कीजिए। जिस टाइम पूजा करो तो सिर्फ उस परमपिता परमात्मा को ही ध्यान में रखो, बाकी चीज़ों को भूल जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और भगवान को कोसना पीटना बंद करो कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये ठीक कर दिया। उसको सब पता है क्या ठीक है क्या गलत है। और साथ में ही अगर हम पूजा करते हैं तो अच्छे कर्म करो, सभी की आत्मा में परमात्मा का वास है, हमारी आत्मा में भी परमात्मा का वास है, उसको सारा दिन, वो सारा दिन हमारे साथ ही हैं, उसको सारा दिन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने कर्म भी करने हैं। तो अपना काम कीजिए, अपने घर का काम कीजिए, साथ में दो मिनट 5 मिनट बड़े दिल से निकालिए उनके लिए और फिर उनको दीजिए। सारा दिन उनको रटने से और साथ में बुरे काम करने से, दूसरों की निंदा करने से, चुगली करने से हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे। सिर्फ उस पर विश्वास कीजिए, और बोलते हैं ना कि
कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, तो अपना काम करते रहिए। ये नहीं है कि सारा काम छोड़ दिया, सिर्फ माला लेकर के बैठ गए, बाकी सारे घर के अपने जो काम है वो हमने करना बंद कर दिया, अपने बड़ों की सेवा नहीं कर रहे, तो वो हमें कोस रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी को खाना बना के नहीं दे रहे हैं, वैसे भगवान को याद कर रहे हैं, तो ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। अपने कर्म भी कीजिए और 2 मिनट 5 मिनट उसको भी याद कीजिए, और वो हमेशा आपके साथ ही हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।